पाकिस्तान की नई पेस सेंसेशन एहसानुल्लाह खान के मुतालिक रावलपिंडी एक्सप्रेस की जुबान पर चर्चे, तो दूसरी तरफ भारतीय सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान के वाइस कप्तान शादाब खान और उनकी गेंदबाजी की तारीफों के पुल बांध दिए। ऐसा क्या कहा शुएब अख्तर ने एहसानुल्लाह खान के बारे में और विक्रांत गुप्ता ने शादाब खान के मुतालिक क्या राय दी, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल कर सकें। तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान के नए तेज़ गेंदबाज एहसानुल्लाह खान की, जिनके मुतालिक मैं पहले ही अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि इंशाल्लाह एहसानुल्लाह खान आने वाले वक्त में दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज साबित होंगे और शुएब अख्तर की याद ताज़ा करेंगे, क्योंकि एहसानुल्लाह खान एक ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं जिसका अंदाज़ा हमें PSL में उनकी बॉलिंग को देखकर हो गया होगा। मगर अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में एहसानुल्लाह ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर 147.5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बाउंसर मारा, जो कि सामने खड़े बैट्समैन नजीबुल्ला जरदान की गर्दन पर जा लगा और वह शदीद जख्मी हो गए। उनके इस बाउंसर ने रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर की बॉलिंग की याद ताज़ा करवा दी, जब उनके डेडलिस्ट बाउंसर से दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज डरा करते थे। एहसानुल्लाह खान के इस बाउंसर पर खुद शुएब अख्तर भी उनकी तारीफ किए बगैर ना रह सके, और शुएब अख्तर का कहना था कि जिस तरह एहसानुल्लाह खान ने अपनी बॉलिंग से अफगानी बल्लेबाजों को डराया वो काबिले तारीफ है, और क्रिकेट में फास्ट बॉलर का ऐसा खौफ और डर बल्लेबाज के अंदर जरूर होना चाहिए। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं शादाब खान की, जिनके तीसरे T20 मैच में कराए गए स्पेल ने पाकिस्तान को इस T20 मैच में फतह दिलवा दी। उनके इस स्पेल ने भारतीयों को भी उनका दीवाना बना दिया है। भारत के मशहूर और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने भी शादाब खान की खूब तारीफ की है और कहा है कि ऐसे लेग स्पिनर्स पर दुनिया इन्हिसार करती है। शादाब खान ने खूबसूरती के साथ एक ही ओवर में दो अफगानी बल्लेबाजों को आउट करके मैच का पांसा अपने हक में पलट दिया। शादाब खान के इस स्पेल की पाकिस्तान में भी खूब तारीफ की गई है। अलबत्त पाकिस्तान ये सीरीज हार गया है, मगर एहसानुल्लाह खान और शादाब खान के आखिरी मैच में गेंदबाजी की खूब तारीफ की गई है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।